ही नींद निकाल ली भाई। और क्या करते जब एक नंबर मैं पूरी फ्लाइट में सही नींद निकाल ली। एक घंटा मास्क हो गए थे एयरपोर्ट पे। इधर को आ जा। राम राम जी। चलो भाई चलो। ले भाई फाइनली गाइस धूप इतनी तेज है यहाँ तो गर्मी है। दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं भाई मामा ना अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई कि एयरपोर्ट पे कैसे जाते हैं और अब फ्लाइट का कैसे कहाँ मिलती है यूट्यूब पर देख रहे हैं क्योंकि भाई हम दोनों की ना भाई पहली फ्लाइट होने वाली है ये वाली। कि हमें मेट्रो से जाना चाहिए या हमें कैब से जाना चाहिए। अगर जो हम कैब से जाते हैं तो एक दो घंटा नींद भी ले सकते हैं। अगर जो मेट्रो से जाते हैं तो फिर हमें जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी कितना 10 घंटे जाएंगे ना तो अच्छे से घूम भी सकते हैं। मतलब देखेंगे एयरपोर्ट है कैसा क्या क्या है। भाई पहली बार जा रहे हैं कल निकलेंगे कल जल्दी निकलना चाहिए इसका मतलब। दोस्तों एक दिन पहले ही भाई हमने भाई बैग वैग लगा दिया अपना कपड़े वपड़े तय कर दिए और मामी ने भाई बैग लगा दिया हम दोनों का। दोस्तों अब करते हैं भाई सुबह की बात। भाई सुबह आप देख लो भाई सर्दी कितनी है यहाँ पर लोनी गाजियाबाद में बहुत ज्यादा सर्दी है और भाई ये सुबह के बज रहे हैं भाई 6 और आप ये बोलोगे कि ये मैं 6 बजे बाहर क्या कर रहा हूँ तो मैं बता दूं भाई ये है भाई जिम जो आप भाई मैं आया था मामा के साथ। मतलब कि भाई मैं घर पे भी एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मामा के साथ ही चलूं मामा वाली जिम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई आज का दिन बड़ा प्यारा खूबसूरत होने वाला है सारी बात बताऊंगा घर जाने के बाद। अभी करते हैं फिलहाल एक्सरसाइज सारी बात बताऊंगा घर जाके। यहाँ पे चल रहे राम के भजन जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि जिम के पास में ही है भाई ये। तो मैं अभी फिलहाल हूँ भाई लोनी गाजियाबाद। जी हाँ ये रास्ता सीधा जा रहा है भाई इधर लोनी और इधर जा रहा है भाई अपना बागपत। जिम में एंट्री करने के बाद भाई सबसे पहले भाई राम राम आप लोगों को भाई फिर से। उसके बाद भाई चलाई हम लोगों ने भाई एक ये साइकिल जिससे भाई मतलब कि वार्म अप सा हो जाता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे लगा रहे भाई बंदे भाई डिप्स और मैं तुम्हें बता दूं भाई मैंने भाई ये वाली एक्सरसाइज करनी है आज और भाई मैं तुम्हें बताता हूँ आज बैक की और भाई आज पुशअप पुशअप सब मारेंगे आज। और भाई मामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे मामा तो दे दनातन भाई एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहे और भाई इनके साथ साथ मैं भी सेट मार रहा हूँ। एंड थोड़ी देर बाद भाई मैंने दिखा दी हवाबाजी देख लो भाई ये है हवाबाजी क्योंकि भाई बॉडी बॉडी मेरी है नहीं मैं कपड़े निकाल के देख लो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसके साथ गाइस भाई करते भाई आज की एक्सरसाइज खत्म। भाई बहुत सारी एक्सरसाइज करी आज बहुत ज्यादा और इंस्टाग्राम पे ये वाली रील मैंने डाल दी जाकर देख लो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिर घर पर आकर भाई मैं मिला अपने सब्सक्राइबर से अपने दोस्तों से और भाई इन्होंने लगा दी जय श्री राम के नारे। सुबह दोपहर शाम जय श्री राम। फिर दोस्तों नहा धो के भाई मैं बैठ गया मामा के पास क्योंकि भाई आज मुझे भाई एक दो भाई सेट ठीक करने मतलब कि मोबाइल ठीक करने देख लो भाई मेहनती भी हूँ मैं। राग जी ठीक हो? तो दोस्तों आज का दिन बस ऐसे ही जा रहा था तो मैं आप लोगों को चप्पल दिखाने लगा क्योंकि भाई चप्पल मैंने धोई थी आज ये। दोस्तों सर्दी इतनी ज्यादा हो रखी है बहुत ज्यादा मेरे नाना जी को देख लो भाई बिल्कुल पैक है। और इसको देखो मेरे मामा के छोटे वाले लड़के को ये भाई अपनी फॉर्म में अलग ही टसन में है। दोस्तों मुझे ठंड लगने लगी भाई मैंने तुरंत के तुरंत कंबल निकाला और भाई मैं तो ओढ़ कर सो गया जय श्री राम। बहुत देर हो गई भाई पड़ा पड़ा मैं ये सोच रहा था बेड पर कि यार मैं कैसे करूंगा मेरी फर्स्ट फ्लाइट है क्योंकि भाई आज की भाई मेरी फ्लाइट है ना बेलगांव की। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि मैं गोवा जाऊंगा मतलब गोवा से पहले बेलगांव जाऊंगा फिर मैं गोवा जाऊंगा। इतने भाई मामी लेकर आ गए भाई दाल चावल मैं कहने लगा मैं ना खा रहा खाना मैं तो आज फ्लाइट में खाऊंगा। आज मैं खा नहीं रहा खाना तो फ्लाइट में खाऊंगा थोड़ा सा जहाज में जा रहा हूँ ना तो मैं वहीं खाऊंगा खाना। बात तो भाई मामी हंसने लगी मामी कहने लगी तू हो गया पागल। दोस्तों वो तो भाई मजाक मैं खाना नहीं छोड़ सकता क्योंकि खाने में आज दाल चावल है और भाई ये खीरे और ये सलाद है जय श्री राम। सो गाइस सभी भाई को राम राम दिल से। फाइनली जस्ट अभी यहाँ पर चल रहा है खाना। खाने में जैसे मैंने आप लोगों को बताया बने भाई दाल चावल और भाई अभी तैयारी है जहाज में जाने की। तो भाई मेरी नन्नी जी मेरे नन्ना जी हाय कर दो और भाई आयान चेक कर दो हाय कर दो मम्मी हाय हाय। और भाई फाइनली हम जा रहे हैं भाई गोवा 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 और ये है भाई हमारे सरकार जो हमें लेके हम इनके पीछे पीछे ये हमारे पीछे पीछे पहली बार जा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट टाइम मामा भी मैं भी। देखते हैं भाई कैसा होता है अपना सफर और कैसा नहीं हर चीज रिकॉर्ड करेंगे भाई। आप लोगों के लिए प्लेन में बैठना एक आम बात होगा बट हमारे लिए हम जैसों के लिए से पूछो यार हम जिंदगी में पहली बार जहाज में बैठेंगे कितनी खुशी हो रही है मुझे अंदर से दोस्तों। सब भाई ऐसे ऐसी पब्लिक पड़ी ऐसी ऐसी दुनिया पड़ी जिनका आना जाना प्लेन से हफ्ते में लगा रहे भाई यार हम तो पता नहीं मैं इतना बड़ा हो गया आज पहली बार बैठूँगा और मेरे मामा भी देख लो दोस्तों फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। मैं मतलब रात तो सोया नहीं मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे
मैंने इतनी वीडियो देख दी, प्लेन में कैसे बैठना, अर्जी एयरपोर्ट कैसा है, ऐसी ऐसी वीडियो देख दी मैंने भाई। मैं वीडियो बन रही तो काय चिल्ला रहा तू है, चल बैठ। तो दोस्तों थोड़ा चिल्लाता है पीछे से, ऐबदार है ये बहुत ज्यादा। अभी अभी एक प्रैंक करा मैंने मामी की गैल, मैंने कह दिया मामी को अभी मारी, चुप हो जा यार चुप हो जा डैडी, मम्मी चुप बैठ रही। हाँ मामी को हमने कहा पता था तो ड्रामा कर रहे, हमने नुकैदी कैंसिल होगी हमारी फ्लाइट, हम ना जा रहे, तो इनका भाई मुंह देखने दिखाने लायक था मामी का, पर मेरी नन्नी को पता था ये ड्रामा कर रहे, मैं चुप रहूंगी। और दोस्तों इसे भी सिस्टम ही कहता है एक तरीके से, जो कर दे कर रहा है। और भाई बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे तो, पीछे खाना चल रहा है थोड़ा सा, क्या है कि पेट पूजा करके जाएंगे हम यहाँ से। और हाँ फ्लाइट है सुबह 6 बजे की, यार तुम्हें मार, मेरी फ्लाइट है भाई सुबह 6 बजे की, मैं तुम्हें बात बताता हूँ दोस्तों, बट हम जा रहे आज रात को 10 बजे क्योंकि भाई हमें मतलब कि हमें नॉलेज नहीं है ना, दोनों अनाड़ी अनाड़ी है भाई दोनों हम सच में। अब जाके भाई हम 10 बजे जा रहे हैं आज रात को, देख लो सुबह की 6 बजे की फ्लाइट है, कोई आज तक इतनी पहले नहीं पहुंचा होगा ना स्टेशन पर ना एयरपोर्ट पर जितनी पहले हम पहुंच रहे सही में। और घबराहट सी हो रही अंदर ही अंदर यार, मतलब तुम्हारे ऊपर आ गई छत पे को बात कर देखो, अरे बाबू ऊपर ही है। दोस्तों अभी निकलेंगे या फिर 11-12 बजे निकलेंगे, जैसे भी निकलेंगे बताएंगे, और पूरा व्लॉग शूट होएगा। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार, बहुत ज्यादा मुझे तो, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा रात ही कर दिए बैग पैक भी मन्ने मामा ने, रात ही बैग पैक कर दिए, ज्यादा कपड़े है नहीं भाई, एक एक दो दो तीन तीन चार चार जोड़ी है, ज्यादा कपड़े है नहीं, ज्यादा कपड़े है नहीं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार जोड़ी है। हाँ तो बात है एयर होस्टेस आ गई सर, कुछ चाहिए तो हमें क्या बोलना, वहाँ क्या कहना, मतलब एयर होस्टेज आ रही है बार बार पूछ रही है कुछ खाने के लिए चाहिए, अपनी मटड़ी लाए बांध के। भाई हम तो आलू के पराठे लाए बांध के, कहीं स्टेशन पर रुकेगी तो बता दियो खाने तो ले ले। तो मस्ती कर ली बहुत ज्यादा, अब आती है भाई तैयार होने की बारी। मैंने दोस्तों एक ऐसे बंदे को अपना फोन पकड़वा दिया जो तुम यकीन नहीं कर सकते, कि तू पकड़ भाई कैमरा, मैं तैयार हो जाऊं फटाफट। एक हाथ से पकड़ के रखिए यार बहुत देर तक, टाइट पकड़ बस टाइट, नीचे नहीं करना चाहिए ऐसे रख। दोस्तों हमारे कैमरा मैन है हमारे अयांश, जिसने कैमरा पकड़ रखा है। दोस्तों भाई लेट तो वैसे हम हो नहीं रहे, बट हमने भाई फटाफट भाई कपड़े पहनने के बाद यहाँ पर भाई थोड़ी सी मस्ती कर ली। यहाँ वीडियो बननी यही रखना जरूरी क्या? दोस्तों बस जल्दीबाजी में ऐसी थे, हाथ लगाओ मैं बना रहा वीडियो, पता नहीं क्या तो घड़ी पड़ी बात बैठा लियो, अरे गिर जाती मैं बनन। दोस्तों ऐसी चल रहा है घर में, वो लोग ऐसी हो गए भाई। तो गाइस फाइनली जस्ट भाई रेडी हो चुके हैं अपने जांच के लिए, मतलब तू जब ही क्यों लग रहा है जब मैं यो कर रहा हूं है। तो भाई जूते निकालो मेरे नए, देखो चल रही वीडियो। तो गाइस हमारे पास नए जूते हैं, ये जो स्टिकर देख रहे थे ये भी हटाने का नहीं गोवा तक, और ये जो शर्ट है ना इसके स्टिकर भी यहीं पड़े, ये देख ये जाओ जेब में धर के, ये जाओ जेब में धर के, नई बुरसेट है, नई है पैंट और नई है जूते, ठीक है चलो पहन लेते फटाफट। चलो फिर स्टिकर हटाऊं या नहीं हटाऊं, हटाता नहीं हूँ, अच्छी रहेगा भाई नए जूते, नए जूते पता तो होनी चाहिए। दोस्तों मैं कह रहा भाई ना जर्सी की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमने कैब बुक कर दी ठीक है, तो भाई यहाँ से हीटर होगा प्लेन एयरपोर्ट पे हीटर, और भैया प्लेन में हीटर होगा, होगा ही होगा यार जब इतनी महंगी टिकट करी हमने, है ना। और मामा नु कह रहे भैया मैं तो लेकर जाऊंगा जैकेट अपनी योरी, ठीक है जो तोड़ना नहीं है, जो नए जूते हैं अमिताभ बच्चन पैरों में है। मोटी चैन मोटा पैसा, कोई दिखा तो बारे जैसा। भाई मैं निकाल रहा हूँ ठीक है, अच्छा ना लगता यार।
दोस्तों एक बैग तो हमारा ये रहा भाई जैसे कि, और एक बैग हमारा वो रहा, लाओ जर्सी निकाल दो जब जैकेट ले जा रहे तो ये भाई तो। और हाँ दोस्तों मैं तुम्हें बताऊँ ना, अलाउ ना सिर्फ और सिर्फ कितना अलाउ है मम, कितना अलाउ है हमें जो ले जा सके वजन? हैंड बैग 7 किलो। हैंड बैग तो 7 किलो, दोनों हैंड है हमारे पास तो 15 किलो। 15 किलो है? 15 किलो वैसे 15 किलो ले जा सके, पर हमारे में तो होगा यार मुश्किल से मुश्किल 5 किलो। ठीक है, अब कैप वाला आ चुका है हमारा, और बैग हमने टंगा ऐसे पीछे करके, ए रुक ए चप्पल ऐसा करके, ये हीरो बन के चला, कुछ भी नहीं पहन रहा। नहीं मामा तू कुछ भी नहीं पहन रहा, हीरो बन के चल रहा, आई मैचो मैन, जिम जाता हूँ मैं। और ये भाई साहब, ये मैं तुम्हें सच बता रहा दोस्तों, लिख के दे रहा हूँ ना, इन्होंने जैकेट निकाल दी ना, मेरा नाम अंकुश नहीं है, गोवा में भी भाई मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा, जड्डा हो रहा खड़ी। हाँ यही है हमारी गाड़ी फाइनली, OTP बताना पड़ेगा है 7827 तेरी। अच्छा जी ठीक है, मम्मी फोन करेंगे पोस्ट के, चलो ठीक है जी, आगे बैठे आगे बैठो आप, चलो भाई हीटर चलेगा ना इसमें। फाइनली जस्ट भाई मेरे मामा और भाई रहेंगे हमारे साथ टर्मिनल 2 तक, तो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड सा हो रहा हूँ भाई, पहली बार भाई प्लेन में बैठूंगा जहाज में। सिस्टम मजा आने वाला है मजा। और मैंने तुम्हें कही थी भाई यहाँ पर गर्मी लगेगी, कैब में भी हीटर है और वहाँ जहाज में भी हीटर मिलेगा, इसलिए मैंने ना पहनी, और वो उतरते के साथ ही भाई वहाँ भी गर्मी है। तो दोस्तों भाई रास्ते में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, ठीक है, और भाई ड्राइवर भाई भी भाई चले जा रहा था, तो भाई देख लो भाई मामा जो कि भाई सो रखी है यहाँ पर गाड़ी में पीछे, मुझे तो नींद आ नहीं रही क्योंकि मैं दिन में भी सो गया था, फेस पे स्माइल है। अच्छा जब भाई लेते हुए और उठ गए, मैं तुम्हें बताऊँ दोस्तों मैं तो मामा को कह रहा था कि नारियल वारियल लेके चलो भाई, जैसे कि पहली फ्लाइट है तो नारियल फोड़ के, और फिर जब चढ़ेंगे ऊपर शुरुआत तो हो गई जहाज में बैठने की। पर भाई नारियल अलाउ ना हुआ। दोस्तों मैं आपको बता रहा अंदर से मैं पता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है यार, मतलब यार जहाज में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों तुम्हारी वजह से ही है बस यार, तुम लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार कर मोहब्बत बनाए रखो अपना, बस ये आज पहली फ्लाइट है, पता नहीं फिर कितनी होगी, अगर तुम मेरी यार ऐसी रहे सपोर्ट करते रहे भाई, खुद की सेल्फ मनी से, खुद की मेहनत की कमाई से जा रहा हूँ भाई, इन्होंने की बाप की है ये है वो है नहीं, तो मैं भी मामा भी दोनों खुद की भाई अपनी सेल्फ मनी, खुद के पैसों से पहली फ्लाइट, और बहुत ज़्यादा खुशी है भाई मुझे, बहुत ज़्यादा। और मामा की भाई पहली है, मामा तो पर सो रहे हैं, मामा कह रहे देखी जाएगी, पता कुछ नहीं ना मुझे ना मामा को, एयरपोर्ट की नॉलेज नहीं, प्लेन की नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, पर आजकल तो भाई सब कुछ मतलब YouTube है Google है और हर जगह लिखा हुआ है, पढ़े लिखी है मतलब पढ़े लिखे बालक है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जा सब, तो भाई जस्ट अभी पहुँच जाएंगे, होगा भाई कितने मिनट का रास्ता होगा, आधा घंटा। दोस्तों मैं तुम्हें बताऊँ भाई मैं अकेला ना मामा भाई भी ना बैठे अभी तक, भाई कह रहे भाई बैठा तो मैं भी नहीं बैठे ना भाई, आज तक फ्लाइट में भाई नहीं बैठे, हम भी नहीं बैठे, बट भाई मैं कह रहा भाई एक दिन जरूर बैठेगा, हमारी गल चले पता चल रहे यार, रे गाड़ी को लगा पार्किंग में क्या चल रहे। और क्या 5-6 दिन उनका मालिक करेगा फोन, उन्होंने कहा भाई कहाँ है, उन्होंने कहा हम ले गए गाड़ी को सीधा गोवा। तो दोस्तों बात करते करते भाई मस्ती करते करते भाई हम एयरपोर्ट के भाई रास्ते भी आ गए, ये लो भाई। तो दोस्तों भाई हमें जाना भाई टर्मिनल 2, मैं तुम्हें बता दूं भाई टर्मिनल 2 भाई ये क्या है, जैसे भाई रेलवे में होते हैं ना स्टेशन पे होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2, ऐसी भाई टर्मिनल यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, तो हमारी भाई टिकट पे भाई 2 लिख रहा था जहाँ पर हमारा भाई प्लेन आया। दोस्तों भाई टर्मिनल का हिसाब है, हमें भाई टर्मिनल 2 पे जाना, और ये जो रास्ता जा रहा है ना सीधा, ये टर्मिनल 3 पे जा रहा भाई, ये 3 पे जा रहा है भाई, 3-2 वो भाई आ गई है, धक धक हो रही, धक 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 धक
एंड फाइनली भाई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे भी आ गई है ये लो भाई, मैं तुम्हें बाहर दिखा देता हूँ ये लो। ओ भाई वो भागी है दोस्तों, देख लो यार तुम, पहली बार आए भगवान, हम तो भाई ट्रेन में लाइन लगने है। सीढ़ी है तुम, तो पैसे करने तो पहले दो करो। हम तो वो है भाई जो ट्रेन की लाइन में लगे थे टिकट की ट्रेन के लिए, और आज भाई हम खड़े होंगे एरोप्लेन में, देखो एरोप्लेन की टिकट के लिए। अरे नारियल वारियल तो फोड़ लो, मैं पैन रख रहा, पैन रखने वाला एयरपोर्ट की जमीन पे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया आपके साथ, और जल्दी से शादी कर लो फिर अपनी वाइफ के साथ आओ। ले भाई ये भाई टर्मिनल गेट नंबर 2 टर्मिनल 2, एंड मेरे मामा ये रहे जो कि भाई बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और जस्ट अभी हमें एयरपोर्ट और आग लगा देंगे। भाई जो भी सीखा भाई YouTube से सीखा हमने 2-3 दिन में वीडियोस देख के, हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता भाई, कभी हम यहाँ जा रहे कभी हम वहाँ जा रहे। फिलहाल हम एक मशीन पर जाकर रुक गए, और यहाँ पर भाई हम बोर्डिंग के लिए रुक गए। एक भाई बोर्डिंग होता है ठीक है, टिकट की तरह, वो हमें निकलवाना है, बोर्डिंग पास बोलते हैं उसको ठीक है, तो वो हमें निकालना है खुद से ही। तो दोस्तों भाई एंट्री तो भाई टिकट से हो जाएगी, बट हमें भाई अंदर जाके बोर्डिंग पास निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम भाई यहाँ पर एक कार्यकर्ता से पूछने लगे, तो भाई हमें बता दे, और देन हमारी समझ में आ गई और हम भाई आगे की तरफ चलने लगे ठीक है। पहले हमने भाई पुलिस वाले अंकल को अपना आधार कार्ड और टिकट दिखाई, एंड इस गेट से भाई अंदर आ गए। अभी तो भाई अंदर आए नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखना तुम चेकिंग कितनी होगी यहाँ पर और कितनी अंदर जाना पड़ेगा हमें। और हमें यहाँ पर दिख जाता है भाई सारी गाड़ियाँ, मतलब सॉरी सारे प्लेन, यहाँ भी गाड़ी निकल रहा मुँह से। जर्सी की जरूरत बताओ, जर्सी की जरूरत है नहीं है ना, तो हम खड़े होके बस इधर उधर देखने लगे। हमारी नजर पड़ी एक जगह पर जहाँ पे भाई यहाँ पे लिख रहा था कि हम क्या क्या नहीं ले जा सकते भाई, इसमें तो भाई पानी की बोतल भी है कि हम पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते। ओ भाई ये देखकर भाई हम दो लड़कों के पास आ गए जहाँ पर ये भाई पता नहीं बोर्डिंग पास निकाल रहे थे, जो मैं आप लोगों को बताते कि बोर्डिंग पास जरूर जरूर चाहिए। तो भाई हम यहाँ पर बस अपने बाल सेट करने लगे, मतलब कि मैं करने लगा सेट अपने बाल, और इन भाइयों को देखा ये होते भाई बोर्डिंग पास, इन्होंने अपने तो निकाल लिए, अब ऐसे ही हम अपने निकाल लेंगे। तो ये निकलेंगे भाई टिकट के दौरान, बस टिकट पर जो संख्या होती है वो डालनी पड़ेगी इस मशीन पर, और ये बोर्डिंग पास निकल जाएंगे, और इससे भाई हमें एंट्री मिलेगी, इससे हमें सीट मिलेगी प्लेन में। फाइनली भाई थोड़ी देर बाद हमने भाई कर दिखाया, हमारा नाम आ गया रोहित कुमार और मामा का, और मेरा भी नाम आ गया अंकुश कुमार। तो हमने भाई यहाँ पर 2 बोर्डिंग पास निकाल दिए भाई, लोगों से पूछ पूछ कर सही, बट हमने भाई कर दिखाया, हमने बोर्डिंग पास निकाल तो लिए। ये देखो भाई दोस्तों हमारे बोर्डिंग पास निकल गए दिल्ली टू भाई बेलगांव, एंड बोर्डिंग पास लेके भाई हम आगे की तरफ चले। मामा भाई आगे आगे, मैं मामा के पीछे पीछे। यहाँ पर एंट्री लिख रही है तो हमें एंट्री करनी है, और हम मैं बता दूं भाई यहाँ एंट्री पर भाई यहाँ पर होगी अभी चेकिंग, तो यहाँ पर भाई मैं कैमरा यूज नहीं कर सकता, बट मैं जितना रिकॉर्ड होगा उतना मैं बता दूं भाई। तो दोस्तों यहाँ पर तुम देख लो भाई कपड़े लत्ते भी निकाल निकाल के रख रहे हैं, मतलब कि चेकिंग बड़ी हार्ड होती है, लेदर का कुछ नहीं ले जा सकते दोस्तों। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है भाई। जितनी भी इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ है ना, चार्जर पावर बैंक और लैपटॉप और घड़ी पड़ी और जूते बेल्ट सब हमें इसमें निकालनी है, हमें ये मिल जाएंगे, ये नहीं कि हमें नहीं मिलेंगे, ये मशीन में निकलने के बाद हमें मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमने भाई बाहर देखा था कि भाई पानी नहीं ले जा सकते, तो पानी की बोतल हम अंदर नहीं ले जा सकते, तो भाई पानी की बोतल का सफर यहीं तक था। तो दोस्तों हमने भाई यहाँ पर पिया भाई पानी इस बोतल से, और भाई जाकर डाल दिया भाई डस्टबिन में, सारा सामान ही निकलवा दिया कहीं से। ये चीज चेक करने लगे थे क्या चीज है, मैं भाई GoPro का स्टैंड है वो, और ये भाई अपने बैग में भरते हैं फिर से, ये तो भाई मैं लगा दूं कान पे। भाई लेदर के सूज लेदर की जैकेट बिल्कुल नहीं ला सकते यहाँ पर, पानी की बोतल थी वो हमारी फेंकी गई, बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, बेल्ट उतरवा दी गई, पैंट उतरवा दी गई। दोस्तों भाई इलेक्ट्रिक का जितना भी सामान है ना सारा भाई अलग से चेक होता है ठीक है, इसको भाई बैग में से निकालना पड़ेगा पड़ेगा, फिर वापस आप अपने बैग में डाल लो। राम का नाम लेके भाई हम चल दिए भाई आगे की तरफ ठीक है, फिर दोस्तों चलो चलते हैं मामा के पीछे पीछे। हमने यहाँ पर देखा ओ माय गॉड 25 दिसंबर तो गई, बट भाई ये दाढ़ी वाले बाबा नहीं गए, तो हमने यहाँ पर एक फोटो क्लिक कराई। ओ भाई यहाँ पर भाई हर चीज थी, हर चीज देखो दिखाता हूँ, देखो भाई यहाँ पर ना तुम अंदर ना एक मॉल टाइप था अंदर। अब तो छोड़ो हम देखने लगे कि हमारी जो प्लेन है वो हमें कहाँ मिलेगा, कौन से गेट नंबर पर मिलेगा, जैसे टर्मिनल 2 हो गए तो टर्मिनल 2 के भाई बहुत सारे गेट नंबर भी है। तो पता नहीं क्यों है यार हमें पता नहीं लग रहा हमारे मतलब जो प्लेन है कौन से गेट नंबर पर आएगा। तो हम दोनों भाई एक जगह बैठ गए और हम भाई देखने लगे यहाँ पर आएगा वहाँ पर आएगा, मतलब टिकट में देखने लगे। फाइनली थोड़ी देर बाद भाई पता लग गया कि भाई गेट नंबर 2 पर आएगी। ओ एक सेकंड भाई हम क्या देख रहे हैं, पानी की बोतल भाई अंदर लेके खड़ा है,
इसको देख के मैं मामा को देख तो मामा हमने क्या करा, मामा कह रहे हम पागल है, हमने अपनी पानी की बोतल फेंक दी बाहर, यहाँ तो सब ले लेकर आ रहे हैं अंदर। हमने ये सोचा था कि इतना हार्ड होगा, मतलब कि 4-5 घंटे पहले चलना चाहिए, भाई बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई पहली बार फ्लाइट में आ रहा है ना वो ईजिली आ सकता है। अब नींद आ रही है मेरे मामा को, देखो आंखें कैसे सूजी पड़ी है और बुरी स्थिति हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है दोस्तों। अच्छे बल्ले आते सही टाइम पे। अब टाइम दिखाऊं मैं तुम्हें, और हमारी फ़्लाइट कितने की है, फ़्लाइट है 6 बजे की, और अभी अभी का वक्त दिखाता हूँ, 1:41। दोस्तों भाई पहली बार जा रहे तो हम भाई हमने सोचा 4-5 घंटे पहले जाना चाहिए, और हम भाई यहाँ पर 2 बजे पहुँच गए। ओ भाई हमसे बड़ा पागल नहीं होगा कोई, और हमें भाई सब कुछ समझ में इजीली आ गया था यहाँ पर, और हम भाई घूम लिए और हम भाई थक भी गए। अब हम ये सोच रहे हैं कि 6 कब बजेंगे जबकि जब देखेंगे भाई 6, यहाँ पर भाई एनर्जी ड्रिंक चल रही है अभी तो फिलहाल। तो दोस्तों हमने भाई 1-2 यहाँ पर रील बना ली भाई, जीने से उतरते हुए जीने से चढ़ते हुए। भाई सुबह के बज गए 4:05, हमारे सामने भाई ये बंदा भाई सो रहा है बहुत देर से, ये क्या भाई सब लोग सो रहे हैं आधे से ज्यादा यहाँ पर। भाई ये क्या हुआ, बीच में ब्रेक मैंने क्या लिया, थोड़ी सी नींद ले ली मैंने, इतने में भाई हमारी बस भी आ गई, ये देखो इंडिगो बस। तो दोस्तों यहाँ पर भी भाई चेक हुए और हमें भाई प्लेन भी दिख गए। तो भाई ये बस क्यों दिखी है यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि भाई हम बस में जाएंगे यहाँ से अपने प्लेन तक। खुशी दोस्तों तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे, फाइनली भाई प्लेन पे बैठेंगे। उससे पहले भाई इस बस में बैठते हैं और चलते हैं अपने प्लेन तक, बट उससे पहले भाई मैंने भाई यहाँ बैठ के बहुत सारे प्लेन देख लिए इतने पास से। एक टाइम ऐसा था जो भाई मैं दूर से प्लेन देखता था, मतलब कि नीचे से ऊपर देखा करता था, एंड फाइनली आज मैंने इतने पास से देख लिए, देखो पीछे प्लेन, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। टाइम देख लो 5:40 हो गए हैं, और हमारी जो प्लेन है भाई वो 6:10 की, मतलब कि ये लास्ट बस है, उसके बाद फिर ये बस नहीं जाती। ओ भाई हमारी तो फ्लाइट भी छूट जाती है नींद के चक्कर में। ओ भाई ये देख लो एक प्लेन तो निकल रहा है मेरी आंखों के सामने से, और ये देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अभी हमारा भी निकलेगा थोड़ी देर में, जिसमें हम बैठेंगे। देन थोड़ी देर बाद भाई हमारी बस भी चल दी, और ये भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम अपने प्लेन के पास जाने लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेन खड़े थे, हर कदम पर प्लेन थे। ओ माई गॉड, सबके लिए भाई ये नॉर्मल होगा बट मेरे लिए आज का बहुत अच्छा दिन हो सकता है भाई, बहुत अच्छा दिन। फाइनली हम अपने प्लेन के पास आ गए, सारे पैसेंजर भाई उतरने लगे, तो मैं और मामा नए नए थे, जैसे जैसे यहाँ पर भाई पैसेंजर कर रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे वैसे वैसे हम उनके पीछे पीछे। और दोस्तों ये हमारा प्लेन फाइनली देख लो भाई आंखों के सामने आ गया, खींच लो फोटो वीडियो बना लो, सब कर रहे हैं भाई मामा, और मैंने भी भाई एक फोटो यहाँ पर ले ली। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फोटो क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि भाई फ्लाइट लेट हो रही है, और मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पे भी बोर्डिंग पास चेक होएंगे, फिर अंदर की साइड जाओगे, और देख लो भाई मामा आगे आगे, और मामा की फेस पे स्माइल क्योंकि मामा की फर्स्ट फ्लाइट और मेरी भी, और मैं मामा कह रहा हूँ मामा स्माइल करते हुए चलो, जय श्री राम हो गई है अब हमारी शुरुआत प्लेन में जाने की, अब प्लेन में आना जाना करा करें। हाँ भाई मामा देखो पीछे स्माइल अरे प्लेन में जाते हुए एक तो ले लूं। ओ भाई ये अंदर घुस गए फाइनली अंदर घुस रहे हैं। सर आते के साथ ही सबसे पहले मामा की एक फोटो क्लिक करी भाई, मामा ने ली विंडो सीट कोई बात नहीं, मैंने भी ली थी रास्ते में, आधे रास्ते मामा ने आधे रास्ते मैंने। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बांधी बेल्ट जो कि भाई हम पे नहीं आती, साइड में एक लड़की बैठी हुई है, बट बहुत ज्यादा ईजी थी भाई बेल्ट बांधनी, मैंने तो भाई लगा ली बट जो साइड में लड़की बैठी है ना उस पर लग नहीं रही है, वो कोशिश तो कर दी है। हाँ तो फिर दोस्तों मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं यहाँ पर बैठ के कितना ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और खुशी का ठिकाना नहीं था, और मैं ये चाह रहा था कि मैं पूरे रास्ते उठता हुआ जाऊँ और व्लॉग शूट करता जाऊँ, मस्ती करता जाऊँ। उतरने के बाद बताऊँगा ठीक है कैसा रहा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा। जो हालत मेरी थी वही हालत मेरे मामा की थी क्योंकि भाई दोनों की फर्स्ट फ्लाइट थी। ओ भाई तुम देख लो 6 बजे कितना अंधेरा हो रखा है ठीक है, और भाई तुम देख लो टाइम 6:07, और भाई ये चल रहा है प्लेन मजाक से हट के, देखो ये चल रहा है दोस्तों, और भाई मैं कैसे बताऊँ तुम्हें यार, भाई तुम देख लो ये तो अपने रंग दिखा रहा है, मतलब कि पंख वंख खोल दिए, और भाई ये भागेगा भगता भगता ये उड़ेगा, और मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। और भाई ये भाग रहा है ये भाग रहा है कसम से भाई, ये बहुत तेज़ भाग रहा है भाई ये, और ये भगा ये उठा और ये उठ रहा है भाई, उठ गया और ये भाई देख लो तुम देख लो भाई।
भाई ये आगे से ऐसे उठ रहा है ना, तो भाई ये कमर लग रही है पीछे एकदम, ये आगे से ऐसे उठ रहा है दोस्तों। एंड फाइनली पहली बार भाई हवा में, तुम्हें भाई मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हो रहा था भाई। एंड दोस्तों भाई कैमरा ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें बता दूँ करूँगा भी, टेंशन ना लो तुम। और मैं तुम्हें बताऊँ दोस्तों, धीरे धीरे भाई दिन भी होता जा रहा है बाहर। ओ भाई मामा तो सो रहे है, बार बार आँखें खोल रहे सो रहे, आँखें खोल रहे सो रहे, और बाहर का नज़ारा दिखाऊँ मैं तुम्हें, देखो दिन में मतलब कि सुबह हो गई मामू, सुबह तो पहली हो गई थी, अब तो उजाला हो गया। दोस्तों यार मैं बस आप लोगों की वजह से नज़ारा देख रहा हूँ, बस ऐसी सपोर्ट करते रहो भाई, आप नहीं होते तो भाई मैं यहाँ ना बैठ पाता सच में। थैंक यू सो मच भाई, ऑल ऑफ यू दिल से भाई, आप लोगों को क्रेडिट जा रहा है भाई इस चीज़ का। इतनी ऊंचाई से भाई बादल देखने भाई मैंने कभी नहीं सोचा था, भगवान की कसम भाई, औकाश से बाहर थे भाई अपने तो। अरे देख लो भाई फाइनली, और भाई तुम देख रहे हो चांद कितना क्लियर दिख रहा है, और भाई मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत क्लियर चांद दिख रहा है, क्योंकि भाई सारे बादल अब नीचे चले गए हैं, हम बादलों से ऊपर है। तुम्हें दिखाता हूँ रुको, जूम करके देखो नज़ारा कितना प्यारा है, नीचे बादल है, लग भी नहीं रहा प्लेन चल रहा है। ओ माई गॉड कितना अच्छा सीन है दोस्तों, सीरियसली जितना मुझे लगा मैंने उतनी भाई मेमोरीज इकट्ठी कर ली। देख लो दोस्तों मैं तो भाई फोटो पर फोटो क्लिक करे जा रहा हूँ, अपनी भी ले रहा हूँ और भाई साथ में अपने मामा की भी ले रहा हूँ। धीरे धीरे प्यारा मौसम होता जा रहा है बाहर का, तुम देख लो प्लेन कितना प्यारा लग रहा है, और भाई कितना ही सेक्सी मौसम हो रखा है, बेहतरीन बेहतरीन भाई। मैंने तो रील भी बनाई, कैडी कैडी रील, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो। ओ भाई सब सो रखे हैं प्लेन में, सब ए टू जेड भाई सब सो रहे हैं, मामा भी सो रहे हैं, साइड वाली लड़की भी सो रही है, और भाई मैं उठा हुआ हूँ भाई मैं, क्योंकि नज़ारे मिस नहीं कर सकता यार। दोस्तों मेरा मन नहीं भर रहा था बाहर का नज़ारा देखते, बहुत ही प्यारा लग रहा था सच में। हमारी फ्लाइट में भाई टोटल भाई चार एयर होस्टेज थी, दो आगे दो पीछे, और भाई सारी की सारी भाई प्यारी थी, तुम्हें तो पता ही है एयर होस्टेज भाई प्यारी होती है। और बाहर का नज़ारा अभी फ़िलहाल ऐसा है, और हाँ मेरे बालों का नज़ारा कुछ ऐसा है, गंदे हो रखे हैं, बट कोई नहीं भाई। सबको देखते देखते नींद तो भाई मुझे भी आने लगी थी, बट मैं भाई सोऊंगा नहीं, क्योंकि भाई मैं तो बनाऊंगा भी और बहुत सारी रील। ओ भाई ये तो मैंने तुम्हें बता ही नहीं प्लेन में क्या क्या मिला मुझे देखने को भाई, ये तुम देख लो, ये एक सीट है ठीक है, हमें सीट के आगे ये मिलती है एक टेबल सी, मतलब कि हम इस पे भाई खाना रख के भाई खा सकते हैं। और भाई दूसरी हमें एक कॉमिक्स बुक मिलती है, मतलब कि इसमें ऐसी थोड़े सा बता रखा है डिजाइन विजाइन के बारे में, मतलब ऐसी नॉर्मल बुक है। और अपने मामा की एक शानदार भाई रील बनाई, ये मैंने मामा के अकाउंट पे भी सेंड कर दिया, मामा को भी सेंड कर दिया, मामा डालेंगे अपने अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे। मामा का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना है तो मैं आईडी बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तुम यकीन नहीं करोगे टाइम कितना हो रहा है, टाइम दिखाऊंगा बाद में, अभी तुम फिलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो, देखो चांद दिख रहा है भाई बिल्कुल प्रॉपर क्लियर एकदम। और रुको टाइम दिखाता हूँ मैं, और उजाला हो रखा है, टाइम दिखाता हूँ रुको। ओ भाई टाइम तुम देख लो 7:15 की, मतलब कि हम लैंड करने वाले हैं अब। ओ माई गॉड, अरे यार दोस्तों नेटवर्क तो आ ही नहीं रहे यहाँ पर सच में भाई, ऊपर भाई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, होंगे भी कहाँ से भाई, हम तो टावरों से भी ऊपर है। ओ भाई ये तुम देख रहे हो लड़की ने कंधे पे सर रख रखा है मामा के, अरे नहीं यार मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग है ठीक है, देखो डिस्टेंस है बीच में। हाँ दोस्तों हम 8 के आसपास भाई लैंड कर जाएंगे, और देख लो बाहर कितना और प्यारा सा मौसम हो गया है, हम नीचे भी जाने लग रहे हैं धीरे धीरे, पता नहीं लग रहा पर। एंड ऐसे रील बनाते बनाते वीडियो बनाते बनाते हो गया भाई 7:55, और तो मैं दिखाता हूँ कि भाई नीचे मुझे दिखाई दे रही है हल्का हल्का बिल्डिंग बिल्डिंग छोटी छोटी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है क्योंकि भाई अभी नीचे उतरेगी, और नीचे जब उतरते हैं ना तो भाई थोड़ा डर तो लगता ही है। ओ भाई दोस्तों देखो देखो कैसे झुक रहा है, मतलब कि ये टर्न ले रहा है अभी, मतलब मुड़ रहा है, तुम देख लो कितना झुक चुका है। ओ भाई बहुत ही प्यारा सीन था भाई ये तो। फाइनली भाई थोड़ी देर बाद ही अपने पंख खोल दिए हैं प्लेन ने, एंड भाई अभी नीचे उतरने लग रहा है, तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा, फील कर सकते हो, धीरे धीरे अपने पंख खोल रहा है भाई उतरने के लिए, देख लो गाइस। और हम आ चुके भाई नीचे, तुम देख लो भाई स्पीड बहुत ज्यादा है ये भाई, अंदर से ऐसी लग रहा है जैसे कितना कम है, बट स्पीड बहुत तेज है भाई इसकी। जब ये भाई नीचे आया तो मेरी हालत कुछ इस तरीके से थी, क्योंकि भाई ये ना नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। ओ भाई और देख लो भाई पूरे खोल दिए पंख अपने, अब आ चुका है भाई ये रनवे पे, देख लो हम उतर चुके हैं, फाइनली लैंडिंग हो चुकी है, फटाफट हटाई भाई बेल्ट, और भाई लैंडिंग परफेक्ट हुई, और एक्सपीरियंस भी भाई बहुत बढ़िया था। मैं तुम्हें टाइम दिखा तो भाई 8:17 पे हम भाई सही उतर चुके अपने एयरपोर्ट पे भाई। रुकते के साथ ही भाई सब लोग भाई अपने अपने बैग उतारने लगे सीट पे से, और हाँ तुम्हें बताओ हम आराम से उतरेंगे, लो भाई ले भाई खाली होगी ये 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 भाई शेर शेर ही कहते हैं। ओ भाई 2 घंटे में तो सोया नहीं हूँ, आ जा भाई।
तुमने तो सही नींद निकाल ली भाई। और क्या करते जब एक नंबर मैं पूरी फ्लाइट में सही नींद निकाल ली। एक घंटा वहां सो गए थे एयरपोर्ट पे, इधर को आ जा, वहां सो गए थे, फिर इस फ्लाइट में सो गए। पर भाई लैंडिंग बहुत बढ़िया रही हमारी, जय श्री राम, सुबह दोपहर शाम। अब उतर रहे हम, लो भाई फाइनली साइरन लगता है भाई। आवाज कितनी कर रहा है वो, ये आवाज घनी कर रहा है दोस्त, तो बहुत आवाज कर रहा है वो। राम राम जी, चलो भाई चलो। फाइनली गाइस, धूप इतनी तेज है यहाँ, तो गर्मी है। जहाँ से हम चढ़े ना दिल्ली से भाई, वहाँ तो बहुत सर्दी है और यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। एक एरा हमारे इस वाले में भाई, एक ये खड़ा तैयार है गाइस। अभी ना भाई मेरा ना क्या हुआ भाई, मोबाइल ना फ्लाइट में रह गया, रेडमी वाला। एक तो ये है जिसमें मैं ब्लॉक कर रहा हूँ आईफोन से, तो अभी स्टाफ ने बोला है कि मिल जाएगा, तो फ्लाइट में भी चेक कर रहे, देखते यार मिलता है नहीं मिलता। ऐसे ऐसे काम हो रहे यार, एक्साइटेड एक्साइटेड मैं यार, फ़ोन ही खो देता मैं तो अपना। अब देखते हैं कब तक लेकर आ रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट पे ही है।